आज के जमाने में जी बहुत ही दोगले लोग सब है जी, और किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा नहीं किया जाए। आप जो है बात कर रहे हैं फोन पर बड़े ही कॉन्फिडेंस से, बड़े ही विश्वास से कि यह तो हमारा दोस्त है, हमारा तो जिगरी यार है, लेकिन पता चले कि आपको जो है सामने वाला कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, आपके साथ कुछ अनबन हुई और उसको जो है यूज कर रहा है आपकी दोस्ती तुड़वाने के लिए, आपकी इमेज को खराब करने के लिए। मैंने जो है जिस संस्था में काम किया और जिस कंपनी में काम किया, उन सबसे जो लग रहा है कि गिरा हुआ क्षेत्र जो है अपना ब्लॉगिंग फील्ड ही है। किसी भी तरह की यहाँ पर इंसानियत नहीं रही, यहाँ पर बस व्यूज, पैसे, बस इसी सब चीज से मतलब रह गया है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी हम क्रियांश को स्कूल छोड़ करके आ गए और गर्मी जी इतनी ज़्यादा है, तेज है कि पूछिए मत। और जब क्रियांश को छोड़ने जा रहे थे उस समय भगवान दया से जो है धूप उतनी तेज नहीं थी, तो वह स्कूल जो है आराम से चला गया। और जब स्कूल छोड़ दिया उसके बाद जो घर आए तो देख रहे हैं भाई साहब सूर्य देवता एकदम पूरा कहर बरपा रहे हैं, तो अच्छा खासा गर्मी है जी। तो चलते हैं, चल करके जो है अपना स्नान सब कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाएंगे, तब अपने दिन के काम पर जो है लगते हैं। तो उधर क्रियांश स्कूल चला गया है और इधर घर में चल रही है खाने की तैयारी। तो खाना तो लगभग तो कुछ देख रहे बन गया है और कुछ बाकी है। अच्छा कटहल, अच्छा आज कटहल बनने वाला है। माँ बनाएगी, बहुत दिनों से माँ जो है सोच रही है दाल वाला कटहल बनाएंगे, चना दाल का नमक, चना दाल मिला करके कटहल का सब्जी बनाएंगे। रोटी पर भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा तो बड़ा है त्रयोदशी, तो फिर भी बच्चे लोग खाएंगे तो माँ बाप को खुशी होती है कि बाल बच्चा खाए, नहीं खाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, Two hours later. तो सारा खाना पीना हमारा बन गया और मैं नहा के फटाफट आई हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 10, क्योंकि मुझे शूट भी करना है। कल भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि कल क्रियांश का छुट्टी था, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे भी बोरिंग सा लग रहा था, पता नहीं कल उसको, क्योंकि स्कूल की आदत हो गई है ना, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था घर में, इस वजह से हमने कोई भी शूट या कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ उसके पास रहे। बाकी अभी जैसे ही मैं नहा के आई हूँ ना, वैसे मैंने देखा कि एक बड़ा सा पार्सल है, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है, तो ओपन करते हैं फिर देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि इसमें क्या आया हुआ है। तो ये इतना बड़ा पार्सल भाई किस चीज़ से आया है, मन तो कर रहा है ना खोल के देखो क्या है। और अभी एक ये पार्सल भी आया हुआ है, इसको भी मैंने अभी देखा, ये सावन स्पेशल साड़ी आई हुई है। लेट है, तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये पहना है मैंने, बहुत ही प्यारी सी साड़ी और बहुत लाइट है, एकदम लाइट वेट है, एकदम बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है, अभी मैं फुल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे है हमारा फुटवेयर कलेक्शन जो कि सिर्फ शूट में काम आता है, सिर्फ मैं पहनती हूँ तो यही वाला पहनती हूँ और ये वाला, बाकी जितना दिख रहा है ना आपको सारा मैं बस शूट के टाइम पे यूज़ करती हूँ। तो एक न्यू वाला है जो मैं दिल्ली से ले करके आई हूँ, ये वाला नहीं, तो हमारे पास एक भी जूती नहीं था तो ये जूती लिया हमने। और एक ये तो चलते हैं छत पे फटाफट से सूट कर लेते हैं, और अभी धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है ना। तो फाइनली हमारा सारा शूट कंप्लीट हो चुका है और हमारा ये साड़ी देख सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है। सबसे अच्छी बात ये है कि गर्मी में आप आराम से पहन सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा सा साड़ी है। तो फाइनली जल्दी से ख़त्म हो गया और धूप इतनी तेज़ थी ना छत पे, नीचे तो मैं शूट कर लेती हूँ लेकिन छत पे ही फ़ोटो लेना पड़ता है और थोड़ा बहुत वीडियो भी ऊपर ही लेना पड़ता है क्योंकि नीचे उतना लाइटिंग वगैरह सही नहीं है। फ़ोटो ज़्यादातर मैं जो लेती हूँ ना वहाँ लेती हूँ, वहाँ पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है। अभी थोड़ा धूप कम हो गया है, ये एक सेकेंड के लिए कम होता है फिर धूप आ जाता है तगड़ा वाला। अभी तक क्रियांश आया नहीं, मैं जल्दी से ख़त्म की कि क्रियांश आ गया होगा लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो देखते हैं कब तक आता है, उसका इंतज़ार है जल्दी से आ जाए। और क्योंकि वो आ जाता है ना तो फिर उसमें समय देना पड़ता है, फिर मुझे जब वो दोपहर में सो जाता है 1-2 बजे के करीब तभी शूट कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जाने से पहले खाना बन जाए और उसके आने से पहले वीडियो शूट हो जाए, ताकि जब हमारा बच्चा आए तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, क्योंकि वो स्कूल से थका हुआ आएगा तो उसको खाना खिलाना फिर नहला के सुलाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता भी है तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो कभी कभी तो थके हुए में ही करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन करता है रेस्ट करूँ, इंसान ही हूँ, तो जल्दी से चलती हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपना शादी का एल्बम भी दिखाऊंगी, जब तक क्रियांश नहीं आता तब तक दिखा देती हूँ। क्रियांश स्कूल से आ गया, मेरी स्कूल से आ गया क्रियांश, एकदम एकदम
स्कूल जब ऑफ हुआ तभी लेके आए ना इसको, बाहर खड़े थे, बाहर खड़े थे आप, लेट हो गया था, छुट्टी हो गई थी, वही तो हमको लगा 11:30 से ज्यादा हो गया, अभी तक आया नहीं क्रियांश। तो क्रियांश स्कूल से आ गया, हेलो बोलो, हेलो शर्मा आ रहा है, ये कौन सा, ये कौन सा प्यार है भाई, ये कौन सा प्यार है, ये कौन सा प्यार है, सर्दी हो गया मेरी बेटी को, थैंक यू पापा के लिए, पापा कुछ दे दो। अच्छा लगा स्कूल में, यार जी स्कूल में अच्छा लगा आपको, मुझे खाना खा लेना ठीक है, नहीं करना थक गया होगा बेटी बेटा, जा पापा से मिल, खाने में बहुत नाटक रहता है इसका, जबरदस्ती कोशिश करते हैं कि खाना खाए लेकिन ये बहुत नाटक करता है, क्या कर ले हो, और ये ड्रेस खोलता नहीं है, ड्रेस खोलने में बहुत नाटक रहता है इसका, इसका ड्रेस खोलने वाले हैं और इसका नाटक देखिएगा, खोल लो बेटा ड्रेस, खोल लो अब स्कूल जाना है, अच्छा है कपड़ा, अच्छा है नहीं खोलना, खराब हो गया ड्रेस, अब खोल लो moments later. आज के जमाने में जी बहुत ही दोगले लोग सब है जी, सही में कहते हैं ना दोहरा चरित्र, बिल्कुल दोहरा चरित्र है उनका, और किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा नहीं किया जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है किसी के ऊपर, और किसी के साथ जो है सुख दुख में बतियाते हैं और उस चीज़ का जो है मिस इंटरप्रेट करके उस चीज़ को जो है बात का बतंगर बना लिया जाए, कब यह सब चीज़ हो जाए कोई ठीक नहीं है जी। आप जो है बात कर रहे हैं फ़ोन पर बड़े ही कॉन्फिडेंस से, बड़े ही विश्वास से कि यह तो हमारा दोस्त है, हमारा तो जिगरी यार है, लेकिन पता चले कि आपको जो है सामने वाला कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, और फिर कॉल रिकॉर्ड करके जब आपके साथ सब कुछ ठीक है तब तक तो ठीक है, जहां आपके साथ कुछ अनबन हुई वह जो है कॉल रिकॉर्डिंग सेव करके अपने पास में रखा हुआ है और उसको जो है यूज़ कर रहा है आपकी दोस्ती तुड़वाने के लिए, आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए, कुछ ऐसा ऐसा ही सब चल रहा है जी आजकल। तो सही में जी मन नहीं करता है जी, यह जो प्रोफेशन है, यह इस प्रोफेशन में आए थे कि यहाँ पर जो है अपना काम होगा, अपना सब कुछ होगा और किसी भी तरह की राजनीति से दूर रहेंगे, और यहाँ पर इस तरह का जो है नीच वाला हरकत यह सब नहीं होगा क्योंकि अपना सब कुछ रहेगा यहाँ पर। तो किसी कॉरपोरेट में थे, अच्छा खासा जॉब सब भी था वहाँ पर, तो उसके बाद जो है सोचा कि यह एक फील्ड अपना है, यह इस फील्ड में जो है इस तरह से करेंगे, लेकिन देखा कि मैंने जो है जिस संस्था में काम किया और जिस कंपनी में काम किया और जितना भी आज तक का अनुभव रहा, उन सबसे जो लग रहा है कि गिरा हुआ क्षेत्र जो है अपना ब्लॉगिंग फील्ड ही है, स्पेशली ब्लॉगिंग और जो न्यूज़ कैटेगरी का यूट्यूब चैनल है। तो मैं देख रहा हूँ इन दोनों चैनल में का जो कैटेगरी है जी बहुत ही ज़्यादा गंद हो चुका है यहाँ पर, और किसी भी तरह की यहाँ पर इंसानियत नहीं रही, यहाँ पर बस व्यूज़ पैसे बस इसी सब चीज़ से मतलब रह गया है, और यहाँ पे दोस्ती नाम की चीज़ नहीं, दोस्ती इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई जी। न्यूज़ वालों को भी देखते होंगे, न्यूज़ जिनका भी न्यूज़ चैनल है, किसी के बीच में कुछ हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ हिंट मिलता है और उसको बात का बतंगर बना करके वो अपना चलाने लग जाता है। कि अभी 2 महीने से खुशी पंजाबन एक्टिव नहीं है, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि उनका डिवोर्स हो रहा है, कुछ लोग अब जी हमें तो नहीं पता जी, लेकिन जो भी क्लियर बात होगा वो लोग आकर के खुद से बताएंगे। हाँ, लेकिन कुछ न्यूज वाले कुछ वो चैनल जो होता है वो लोग इतना उनके बारे में फालतू बोल रहे हैं, और कहीं मालूम चला कि वो दोनों के बीच में कुछ बायचांस मान लीजिए प्रॉब्लम भी था और वो प्रॉब्लम ठीक हो गया, अब फिर वो लोग आ गए साथ में, फिर क्या आपका क्या मूड रहेगा।
है, लेकिन उनको भी क्या मतलब, हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी हो। देखिए उनको क्या मतलब न्यूज वालों को, उनको तो है कि अपना बस व्यूज मिल गया, पैसे मिल गए, अब साथ आ गए तो ये भी उनके लिए न्यूज ही रहेगा, तो पैसे कमा लेंगे, तो चाहे ऐसे करे या वैसे करे पैसा तो कुछ लोगों को बस पैसे से मतलब है, हमने तो मतलब ये देख लिया यहाँ पे दोस्ती तो नाम का कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह का जो सब कुछ देख रहे हैं ना, मन नहीं करता जी इस फील्ड में अब रहने का, सही बात कर रहे हैं, और हमको अब मन भी नहीं कर रहा, हम सोच रहे हैं अपना जो फील्ड है अपना जो अलग से काम कर रहे हैं, हम उसी क्षेत्र में काम करते रहे, और जिया अपना होगा तो इधर देखेगी, हम मैं ही देखूंगी ज्यादातर, मैं ही अब सोच रही हूँ कि मैं ही देखूंगी, और क्योंकि ये जो है ना ये थोड़े से वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ना वही है, इनको थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ हो जाता है जी, हम 6-5 ना जानते हैं ना किसी के साथ 6-5 करते हैं, ना उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारे साथ 6-5 करे, तो वैसी बात है, मतलब मैं जैसी हूँ ना वही सोचूंगी की हमारे साथ लोग ऐसा करें, लेकिन होता क्या है जी की दुनिया में ऐसा नहीं होता, सभी को अंत में फायदा ही दिखता है, यहाँ पर दुख दर्द भी जो है फायदा देख करके ही, किसी के दुख में जो है हेल्प करने के लिए भी लोग फायदा देख करके आते हैं, इसके दुख में अगर हम हेल्प करने आएंगे तो पब्लिक का क्या रिस्पांस रहेगा, बस यही चल रहा है। लेकिन ना पहले मुझे इन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि मतलब जो ये है, मतलब ये मतलब ऐसे क्यों है, जो आपके पास मतलब 400 BC कर रहा है आप उनको पहचानिए, लेकिन ना मैं कुछ टाइम इनके साथ रही तो अब मुझे लगता है जो है ना मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरे हस्बैंड बहुत लॉयल है, किसी के लिए 100% देते हैं, लेकिन जो इंसान इस तरीके का होता है ना उनका ऊपर वाला साथ देता है, चाहे कोई भी ऊपर वाले के भरोसे ही है, तो अब ऐसा करते हैं ज्यादा नहीं बोलते हैं, लगता है कि बहुत सारी बातें अपने मन का जो भी था, इसलिए बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप 4-5 दिन वीडियो नहीं डाले, क्यों नहीं डाले, तो कुछ प्रॉब्लम थी जिसको हम लोग सोच रहे थे आराम से पहले इस चीज को सॉर्ट आउट करें, क्लियर करें दिमाग से, नहीं इस आदमी से मुझे दूर रहना है, अब कैसे भी दूर रहना है, उसके बाद एकदम अच्छे से फ्रेश होके काम करेंगे। सही बात है जी, तो अब ऐसा करते हैं जी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। हाँ जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।